सहन नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें, भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी। और इसलिए जब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है, मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम एक पेड़ लगाऊंगा। और तब से आज तक रोज, अब एक पेड़ नहीं, पेड़ अब आंदोलन बन गया, अनेकों पेड़ रोज लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी आचरण से ही सिखाते हैं। मुझे प्रसन्नता है, इंदौर सहित मैं सभी नगरों को बधाई देता हूं कि वायु प्रदूषण, स्वच्छ वायु के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणाम आए हैं। हमारे यहां वैसे भी अच्छी थी, जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्वों की बात हमारे यहां कही गई है। अब उसके विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें से एक समीर है, पवन है, हवा है, एयर है, वो अगर स्वच्छ नहीं रही तो कितने नुकसान होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर, अब इंदौर को तो नंबर वन में रहने की आदत हो गई है लगा, जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है इंदौर नंबर वन आ जाता है। लेकिन इंदौर के साथ साथ हमारे बाकी शहर, क्योंकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, इसलिए अगर मैं केवल इंदौर की बात करूँ तो ठीक नहीं होगा। इंदौर को भी बधाई, आगरा को भी बधाई, ठाणे को भी बधाई, अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर, परवानू, कालाम और अंगुल तृतीय, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास कि सारे प्रदेश अपने अपने स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी इंदौर के साथ भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। और 3 से 10 लाख तक की श्रेणी में सागर को 10वां और 3 लाख से कम वाली आबादी में देवास को 6वां स्थान मिला है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी मध्य प्रदेश के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास केवल प्रदेश को गौरवान्वित नहीं करते, ये मानवता की सेवा करने का प्रयास है। हम सोच लें, अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, इसको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा, तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण लॉक, सेहत से भरा घर का खाना, फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। फॉर्चून प्लस सोयाबीन ऑयल के 1 लीटर पाउच के साथ पाए 10 रुपए का अलाइव साबुन फ्री। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। हर दिल की इंसान नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें, भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी। और इसलिए जब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है, मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम एक पेड़ लगाऊंगा। और तब से आज तक रोज,
अब एक पेड़ नहीं, पेड़ अब आंदोलन बन गया, अनेकों पेड़ रोज लगते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी आचरण से ही सिखाते हैं। मुझे प्रसन्नता है, इंदौर सहित मैं सभी नगरों को बधाई देता हूं कि वायु प्रदूषण, स्वच्छ वायु के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणाम आए हैं। हमारे यहां वैसे भी अच्छी जल पावक गगन सभी सबीरा, पंच तत्वों की बात हमारे यहां कही गई है। अब उसके विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें से एक समीर है, पवन है, हवा है, एयर है, वो अगर स्वच्छ नहीं रही तो कितने नुकसान होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर, अब इंदौर को तो नंबर वन में रहने की आदत हो गई है लगा। जब भी कोई कॉम्पिटिशन होता है इंदौर नंबर वन आ जाता है। लेकिन इंदौर के साथ साथ हमारे बाकी शहर, क्योंकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, इसलिए अगर मैं केवल इंदौर की बात करूँ तो ठीक नहीं होगा। इंदौर को भी बधाई, आगरा को भी बधाई, ठाणे को भी बधाई, अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर, परवानू, कालाम और अंगुल तृतीय, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास कि सारे प्रदेश अपने अपने स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी इंदौर के साथ भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। और 3 से 10 लाख तक की श्रेणी में सागर को 10वां और 3 लाख से कम वाली आबादी में देवास को 6वां स्थान मिला है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी मध्य प्रदेश के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास केवल प्रदेश को गौरवान्वित नहीं करते, ये मानवता की सेवा करने का प्रयास है। हम सोच लें अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, इसको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा, तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी।